राइट एंगल एक एंगल होता है, पहले मैं राइट ही समझा देता हूं, हर वो एंगल जो कि एल शेप का हो, चाहे वो किसी भी तरह से बन रहा हो। तो ये मैंने कुछ एंगल्स बनाए, ये सारे अगर आप ध्यान से देखो रोटेट करके, तो ये सारे एल शेप के हैं। ये जो एल शेप के एंगल होते हैं जनरली उनको राइट एंगल की तरह, मतलब इस तरह से डिनोट किया जाता है, और इनको कहा जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और ये भी राइट एंगल है। इस ये डिपेंड नहीं करता कि ओरिएंटेशन कैसी है, जैसे जनरली लोग राइट एंगल को यही समझते हैं, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरिएंटेशन कैसे भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्या है उसकी शेप बिल्कुल एल जैसी होनी चाहिए, परफेक्ट एल, ठीक है। या दूसरी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो परपेंडिकुलर का, है ना, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यही है राइट एंगल वाला। अगर दो लाइंस आपस में इस तरह से हैं कि वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको हम 90 डिग्री कहते हैं, तो परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसको राइट एंगल कहा जाएगा, ठीक है। उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसको राइट एंगल कहा जाएगा, तब जब दो लाइंस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये था, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है।